भाई जय हिंद, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और वीडियो का टाइटल आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है जो हमने भरा था, ये पोस्ट कोड 802/23 Grade 4 जूनियर असिस्टेंट, इसका एग्ज़ाम कब तक होगा? क्या अगले साल जाएगा इसका एग्ज़ाम? इस साल नहीं होगा। तो सारी बातों पर मैं आपसे डिस्कशन करूँगा, एंड तक बने रहना वीडियो में, ठीक? तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। चलो भाई, आपकी स्क्रीन ब्लैक नहीं हुई है, मैंने ही ब्लैक कर रखी है, ठीक है? मैं आपको दिखा दूँ एक बार ऊपर लिख के, कभी आप सोचो आपकी स्क्रीन ब्लैक हो गई। जूनियर असिस्टेंट, तो अभी तक आपको पता है कि DSSSB का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो 26 सितंबर तक तो पैक है ना? 26 सितंबर तक तो उसने डेट दे रखी है, तो इससे पहले तो आपका एग्ज़ाम होगा नहीं। तो आपके पास अभी कितने महीने हैं? अगस्त और सितंबर। तो इसका जो एग्ज़ाम है, जो मुझे पता चला है जहाँ तक, वो इसका एग्ज़ाम आपका होना है भाई अक्टूबर में। अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होना, मैं आपको बता दूं पहले, जो जहाँ तक मेरे को पता चला है अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होगा। और लंबा एग्ज़ाम है तो पूरा मंथ इसका एग्ज़ाम चलेगा, ठीक? पूरा मंथ एग्ज़ाम चलेगा आपका इसका, क्योंकि लगभग 3.5 लाख के आसपास आपके फॉर्म गए हैं। आप जो अगर 3.5 लाख के आसपास आपके फॉर्म गए हैं तो आपका एग्ज़ाम भी लंबे दिन चलेगा, है ना? पूरा महीना ही आप लगा के चलो, अक्टूबर का पूरा महीना आपका इसका एग्ज़ाम चलेगा, क्योंकि 3.5 लाख आपके बच्चे हैं, तो वो तो अपने 3.5 लाख के हिसाब से बंदोबस्त करेंगे, पर जो अटेंडेंस रहती है वो मात्र 45% के आसपास रहती है। तो अगर आप इसका 45% निकालेंगे तो वही 1.5 लाख या 1,60,000 के आसपास बच्चे आपके बैठेंगे जो आपका एग्ज़ाम में अपियर होंगे और जो देंगे आपका एग्ज़ाम, है ना? तो अपनी भाई तैयारी करते रहो बिल्कुल। कभी आप ये सोच के बैठे हो कि अगले साल इसका एग्ज़ाम होगा, नहीं भाई, अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम 90% है। अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम 90% है कि होगा ही होगा, क्योंकि इनको इनकी ज़रूरत है, तभी इतनी ज़्यादा वैकेंसी भी आई थी, है ना? कभी आप सोच के बैठे हो कि अगले साल एग्ज़ाम होगा और तैयारी बाद में करेंगे, तो ऐसे ही इस वहम में मत रहना। कट ऑफ भी इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी अब की बार, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। आपका 130-140 पे आराम से जनरल का, OBC का, किसी भी आप कैटेगरी से हो, आपका 130-140 में बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है इससे नीचे में भी हो जाए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है ना? तो मैं आपको फिर बता देता हूँ भाई, आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है? तो जो भी अभी अपनी फिजिकल वगैरह की तैयारी में होंगे, क्योंकि जो बॉर्डर वाले बच्चे होंगे वो फिजिकल की तैयारी में होंगे, है ना? तो भाई अपना फिजिकल के साथ साथ 2-3 घंटे निकालना शुरू कर दो पढ़ाई के, क्योंकि आपका अक्टूबर में एक साथ इसका बर्डन आ जाएगा आपकी पढ़ाई पे। एकदम से ही सितंबर के एंड में आपकी डेट वगैरह दे देंगे, फिर आप सोचोगे अब क्या करें, अब कैसे करें। तो अपना अभी से 2-3 घंटे निकालने शुरू कर दो भाई, अगर आपने भी बॉर्डर के पेपर भरा था और आप उसकी फिजिकल की तैयारी कर रहे हो। तो अगर आपने बॉर्डर नहीं भरा और आप कुछ नहीं कर रहे, तो भाई अपना दिन में बढ़िया 7-7 से 8 घंटे पढ़ो, आपका सिलेक्शन इसमें 100% होगा, है ना? क्योंकि जो मेहनत करेगा भाई उसका तो होगा ही, ऐसी बात तो है नहीं कोई जो मेहनत नहीं करता और उसे सफलता नहीं मिलती हो। तो आप बढ़िया से मेहनत करो इस एग्ज़ाम के लिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो बस यही मुझे बताना था कि अपने दिमाग में लेके चलो कि अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा। 2 महीने समझ के तैयारी कर लो, और 2 महीने में आराम से तैयारी हो जाएगी, अगर आपने अब तक तैयारी स्टार्ट भी नहीं करी होगी तो। कैसे करनी है अगर आपको नहीं पता तो कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है? तो बस यही बताना था मुझे आपको इस वीडियो में कि अक्टूबर में आपके इसके एग्ज़ाम होने हैं। 90% तो तय है, बाकी DSSS भी अपनी तरफ से कुछ चेंज कर दे तो पता नहीं, बाकी होने तो है ही, ठीक है? चलो बाकी फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए भाई राम राम, ठीक? और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब वीडियो को तो लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो ये भाई कर लेना, देख लेना, है ना?
चलो जय हिंद।